दुर्ग रेंज के आईजी हिमांशु गुप्ता ने दुर्ग संभाग के नागरिकों के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। जी हां, अब आप सीधे आईजी हिमांशु गुप्ता से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से घर बैठे अपनी समस्या बता सकते हैं और उसका निराकरण भी तत्काल किया जाएगा। अभी तक ये पहल सिर्फ पुलिस कर्मियों के लिए थी, लेकिन अब आईजी हिमांशु ने दुर्ग रेंज के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वालों के लिए प्रत्येक सोमवार सुबह 11 बजे से 1 बजे तक व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में समस्याओं को सुनेंगे और त्वरित निराकरण भी करेंगे। आईजी ने बताया कि दुर्ग संभाग बहुत बड़ा क्षेत्र है और लोग उनसे मिलने काफ़ी दूर से आते हैं, जिसके चलते उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। इसी कारण ये नई पहल की शुरुआत मंगलवार से की जा रही है, जिसमें लोग डिजिटल सुविधा का उपयोग करते हुए सीधे व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग कर अपनी समस्या या सुझाव से अवगत करा सकते हैं। इस शुरुआत से बहुत लोगों ने अपनी अपनी समस्या और सुझाव बताए हैं, जिनका निराकरण भी किया जा रहा है। सर, जो दुर्ग रेंज है उसमें 5 जिले हैं और इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। दुर्ग रेंज का चार्ज लेने के बाद मैंने ये पाया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे रूबरू होना चाहते हैं, लेकिन दुर्ग भिलाई तक पहुँचने में उनको काफ़ी समय लगेगा और उनका काफ़ी आर्थिक भी उनका काफ़ी नुकसान होगा, तो वो लोग इस कारण से नहीं आते हैं। और आज का युग तो टेक्नोलॉजी का युग है, आज तो आप यहाँ बैठ के अमेरिका तक बात कर सकते हैं। तो हमने एक छोटी सी नई सुविधा चालू की है, सिटीजन सेंट्रिक सुविधा है, कि सोमवार को 11 से 1 बजे तक अगर आप हमसे कोई भी सकारात्मक चर्चा करना चाहें या आपकी कोई परेशानी भी है जिसका निराकरण पुलिस द्वारा किया जा सकता है, वो आप हमको जरूर बताएं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। आज से ही इस योजना की शुरुआत हुई है, आज काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने व्हाट्सएप कॉलिंग की है, वीडियो कॉलिंग की है, उसमें कई ने सुझाव भी दिया है, कई ने शिकायतें भी की है और कईयों ने कुछ ऐसी भी उनकी परेशानियाँ हैं जो कि स्ट्रिक्टली पुलिस की नहीं है, पर पुलिस के इंटरवेंशन से वो परेशानी अगर उनकी दूर हो सकती है तो हमको बड़ी इसमें खुशी होती है। तो इस तरह की अनेक आज मेरे पास वीडियो कॉल आए हैं और सभी में हमने शिकायत का तत्काल हमने निराकरण किया है और संबंधित SP साहिबान को हमने निर्देशित किया है कि इसमें तत्काल कार्रवाई करें, जो भी कार्रवाई की जाती है उससे आवेदक को भी सूचित करें, ये हमने सुनिश्चित किया। डिजिटल युग में अगर ऐसी पहल होती रही तो लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी और पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी से अगर वीडियो कॉलिंग के जरिए बात होती रही और त्वरित समाधान भी होता रहा तो आईजी दुर्ग रेंज की यह पहल एक दिन पूरे देश भर में अपनी अलग पहचान जरूर बना देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश TV। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश TV, we report, you decide.